मकसद है वो एक हमने हाई एंड व्हीकल जो चोरियां होती थी हमारे अलग अलग इलाके पर्टिकुलरली इट पर्टेन्स टू होल ऑफ द नॉर्थ इंडिया, तो उन चोरियों के मतलब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बेसिकली क्या हुआ था, 17 तारीख को हमें एक चोरी की रिपोर्ट दी गई राजकुमार की तरफ से कि मेरा एक बाइक जो है मोटरसाइकिल वो चोरी हो गया। तो उसी के बेसिस के ऊपर जो हमारे एसएचओ हैं और एसडीपीओ साहब हैं, इन्होंने पर्चा एफआईआर नंबर 215/2019 का दर्ज किया और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुराने इन्वेस्टिगेशन जिस बंदे पे जिस सस्पेक्ट पे हमने जीरो इन किया उसमें अलग अलग लीड्स थी, तो उस बंदे का नाम था ताजुद्दीन अलायस गुड्डू, जो कि रहने वाला बेसिकली बिहार का है। इस टाइम वो रानी तालाब डिगियाना एरिया में रह रहा है। इससे जब पूछताछ शुरू की कि ये बेसिकली इनका मकसद था कि इसमें मॉडस ऑपरेंडी निकाली जाए, तो क्वेश्चनिंग के दौरान उसने कुछ हाई एंड गाड़ियों की चोरी की भी कबूल किया कि वो भी यहाँ पे बेची जाती हैं। सो उसके बाद उस इस तफ्तीश को सॉल्व करने के साथ ही हमारी जो फोकस है वो उन चीज़ों की तरफ हो गया कि वो चोरियाँ जो है वो कैसे होती हैं और क्या इसमें मॉडस ऑपरेंडी है। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जम्मू में बड़ी सारी हाई एंड महंगी गाड़ियाँ जिसमें फॉर्चूनर है, इनोवा है, बेलिनो है, एक्सयूवी टाइप गाड़ियां हैं, वो हमने रिकवर की हैं, जो कि अलग अलग पार्ट से नॉर्थ इंडिया के चोरी हुई हैं। मेनली ये चोरी जो गाड़ियां की जाती हैं ये नॉर्थ एनसीआर रीजन जो है हमारा दिल्ली, वहां से चोरी की जाती हैं। और उसके बाद जब चोरी की जाती हैं वहां से, तो इनको लाया जाता है चंडीगढ़ और पंजाब में, जहाँ पर इन व्हीकल्स की टेम्परिंग की जाती है। टेम्परिंग में उसका चासी नंबर जो है उसको टेम्पर किया जाता है और उसका जो फेक जो आपने उसकी आरसी वगैरह बनानी है वो की जाती है। आफ्टर दैट वो गाड़ियां जो हैं वो जे एंड के में ला के बेची जाती हैं, जो कि एट नॉर्मल रेट से कम रेट में बेची जाती हैं। तो इसमें दो तीन तरीके हैं जिस तरीके से वो ये गाड़ियां जो हैं चोरी करके लाते थे। एक तो क्लोनिंग ऑफ व्हीकल है कि एक ही गाड़ी का क्लोन इन द सेंस के एक ही तरह की, एक ही कलर की, एक ही लुक वाली गाड़ी, एक ही मॉडल की गाड़ी है। एक हो सकता है कि दैट इज बींग यूज समवेयर इन सेंट्रल इंडिया और अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, उसी तरह का सेम मॉडल सेम गाड़ी सेम नंबर जो है वो उसको गाड़ी को यहाँ क्लोन कर देते थे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो गाड़ियाँ एक्सीडेंट के बाद स्क्रैप हो जाती हैं जो यूज़ नहीं होती, उन गाड़ियों का जो चासीज नंबर है, उन गाड़ियों की जो यूनिक आइडेंटिटी है, उनको ये इन गाड़ियों के ऊपर जो चोरी की गाड़ियाँ हैं इनके ऊपर पेस्ट करते थे। तो उसका करने का तरीका भी वो ग्राइंडिंग मशीन के जरिए कैसे की जाती हैं वो हमने सारे का सारा जो है वो दुराने तफ्तीश, वो ग्राइंडिंग मशीन भी रिकवर की, हाउ दे डू, इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या है वो भी की। और तीसरा है कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उसमें नया इंजन डाला, कि पुरानी गाड़ी है उसका इंजन अब उतना कामयाब उतना मजबूत नहीं है, तो जो चोरी की गाड़ी थी उसका जो इंजन है वो आप इस गाड़ी में यूज़ करते हो, तो उसमें जो कस्टमर है जो खरीदने वाला है उसकी गाड़ी में नया इंजन लग जाता है, पर्टिकुलरली वो टैक्सियाँ जो चलती हैं तो उसमें उसकी गाड़ी की लाइफ बढ़ जाती है, शेल पुराना रहता है लेकिन गाड़ी में इंजन जो है वो नया लग जाता है। सो ये तीन चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे हमने तफ्तीश करके अलग अलग गाड़ियाँ, टोटल 14 गाड़ियाँ और एक बाइक रिकवर हुई है, जिनकी कीमत जो है वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ के करीब है। अब इसमें हमारी जो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेन पर्पज़ है, हम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे आपके ज़रिए, एक तो जब भी आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उसको वेरीफाई ज़रूर कर लें, किसी अननोन शख्स से ऐसे ही बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के गाड़ी ना खरीदें। और अगर आप गाड़ी इंश्योरेंस कंपनी से खरीद रहे हैं, कोई क्लेम करता है कि ये मैंने इंश्योरेंस कंपनी से ली है, जो कि कई बार ये होता है कि गाड़ी का क्लेमेंट नहीं आता, इंश्योरेंस कंपनी उसको ले लेती है, बाद में वो ऑक्शन डिस्पोज ऑफ करती है, तो उसको वेरीफाई कर लें। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि दिस इज़ द वे हाउ दे सेल द व्हीकल्स लोगों तक। उसके बाद ओरिजिनल चासी नंबर जो है उसका, आप अगर किसी भी चासी नंबर को बड़े गौर से बड़े ध्यान से देखेंगे तो मैनिपुलेटेड चासी नंबर जो है जो ओरिजिनल है उसमें हमेशा कोई ना कोई थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है। किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, खास करके अगर बंदा आपका जानकार नहीं है। और चौथा, अगर कोई बंदा आपको नॉर्मल गाड़ी जो फॉर्चुनर जिसकी कीमत 35-30 लाख है आपको 12 लाख में दे रहा है, 13 लाख में दे रहा है, तो उसको हमेशा सस्पेक्ट नज़र से देखें। इसके अलावा कोई भी और महंगी गाड़ी है या नॉर्मल गाड़ी भी है, अगर आपको बहुत कम रेट में मिल रही है तो उसमें पक्का, ये हमें जिस तरीके से ये मॉड्यूल निकला है कि देयर इज एवरी लाइकलीहुड कि वो गाड़ी चोरी की हो। फिर उसके अलावा हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है
कि आरटीओ ऑफिस से जब आप गाड़ी खरीदते हैं उसकी डिटेल्स को वेरीफाई और रीवेरीफाई करवा लें, एक बार इनको चेक करवा लें कि जो जो ओनर है, जो जो गाड़ी है, क्या वो ओरिजिनल है, क्या उसके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है। एंड लास्ट ये है कि जो भी गाड़ी आप खरीद रहे हैं उसका व्हीकल का कलर जो है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है उसमें मेंशन किया होता है, उसको एक बार मैच कर लें। इसके जरिए हम आपके जरिए लोगों को एक अवगत करवाना चाहते हैं कि ऐसे झांसे में ना पड़े, बिकॉज ये जो गाड़ियां जिन जिन लोगों से रिकवर हुई हैं उन लोगों को ऑब्वियसली दे मे नॉट बी अवेयर अबाउट इट, वो उनका नुकसान हुआ है, ताकि आने वाले दिनों में आप इस तरीके से चीट ना हो। और इसके अलावा एक और हमने, हमारा पुलिस स्टेशन गंग्याल है, उन्होंने भी एक बड़ा अच्छा काम किया है। हमारी टोटल सिमिलर पैटर्न पे कोई 10 के करीब बाइक्स हम रिकवर कर चुके हैं, उसमें भी एक बाइक चोरी हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लीड्स, वी सस्पेक्टेड फ्यू पर्संस, जीरोइंग किया, क्वेश्चनिंग की, उसने चोरियां मानी और टोटल 10 बाइक्स उसमें भी रिकवर हुई हैं। टोटल व्हीकल्स हमारे पास अभी जो इस बार रिकवर हुए हैं सारे के सारे, देयर अराउंड 25 व्हीकल्स, जिसमें 11 बाइक्स हैं, 14 गाड़ियां हैं। 14 गाड़ियों में 3 फॉर्चूनर है, 1 एक्सयूवी है, 4 इनोवा है, 2 विटारा है ब्रेजा और 4 बेलिनो है। तो अब हम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज लोगों तक पहुँचाएँ और हमारी हेल्प करें। आरटीओ ऑफिस का क्या रोल रहता है? ऑब्वियसली जो फिजिकल वेरिफिकेशन, बेसिकली बड़ी बार ये होता है कि गाड़ी की क्लोनिंग है या फिर टेंपर क्या है जो किसी को, और फिर फिजिकल वेरिफिकेशन हम कन्वीनियंस के लिए बड़ी बार क्या होता है कि हम बीच में इंटरमीडिएटरी किसी को डाल देते हैं, वी डोंट गो डायरेक्टली टू द आरटीओ ऑफिस। तो कई बार वो डाउट भी जो होता है, जैसे हमने अभी कुछ दिन पहले भी एक चोरी निकाली थी जिसमें वो एजेंट वगैरह काम करते थे, तो वो आपको फिर बीच में देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि वो आपको चीट कर जाए। तो इसलिए ऑन ग्राउंड ऑन ऑन ऑफिस यू वेरीफाई पर्सनली के जो मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कागज उसका बोल रहा है, वाहन एप्लीकेशन पे आप उसको चेक कर सकते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स क्या सारा कुछ सही है या नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो कंपनी है जिस कंपनी की आप गाड़ी खरीद रहे हैं उसको एक बार वहाँ पे उस कंपनी को कंपनी में ले जाके भी दिखवा लें कि जो चैसी नंबर है क्या ये टेम्पर्ड तो नहीं है। दे हैव एवरी वे और मैकेनिज्म टू वेरीफाई के वेदर इट इज टेम्पर्ड और नॉट। मोस्टली व्हीकल्स एनसीआर के हैं जैसे आपने कहा, जी जी, वहाँ आरटीओ ऑफिस में कोई आपका कांटेक्ट, वहाँ पे भी हम कॉन्टेक्ट कर रहे हैं जो इसमें सस्पेक्ट हैं, जो मेन जो अभी हमारा हमारी टीम जो पंजाब में जो लोग इसको इन गाड़ियों को मॉडिफाई कर रहे थे हम उन पर फोकस कर रहे हैं। डिमांड जम्मू में थी, यहाँ से डिमांड पैदा होती है और चोरियाँ जो होती हैं वो एनसीआर उस रीजन में होती हैं, उनकी जो मैनिपुलेशन है उन गाड़ियों की, दैट हैपन्स इन पंजाब एंड चंडीगढ़। सर, आजकल की जो गाड़ियाँ हैं अपने कर लो सिक्योरिटी फीचर के साथ लैस होती हैं, तो जो ईसीएम होता है उसको किस तरह से ब्रेक करते थे गाड़ी स्टार्ट करने की? वो भी इनका उस मैकेनिज्म को भी हमने हम जीरो इन कर रहे हैं, हाउ दे डू वो, दैट थिंग हैपेंस बाय द एक्सपर्ट्स, जो जो टेक्निकल हैंड है जो पंजाब में है जो इसमें इन्वॉल्व है, तो उनके ऊपर हम अभी फोकस कर रहे हैं। वंस इट कम्स तो सारी की सारी मोटर सुपरेंडे भी बाहर आ गए। अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया है, बट बीइंग जेएंडके बॉर्डर स्टेट एंड सिक्योरिटी सेंसिटिव है, तो लोगों से अपील है कि ऐसी चीज कभी भी कहीं भी मिसयूज हो सकती है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सर, पुलवामा जो हुआ उसके बाद बंगाल में जो अटैक हुआ, कार का उसमें इस्तेमाल हुआ था, कश्मीर में क्या कितनी गाड़ियां उन्होंने बेची हैं, इसमें कोई डिटेल मिल पाई है? और क्या लगता है अभी इसमें क्या, अगर इस तरह की गाड़ियां जिनका आइडेंटिटी टेम्पर हो तो लगता है आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती आपके लिए हो सकती है? देखिए, चैलेंज हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया कि वी आर ए बॉर्डर स्टेट, देर इज ऑलवेज ए चैलेंज पर्टिकुलरली मिस यूज ऑफ द व्हीकल। इसलिए आप देखेंगे आप हमें कहीं पे भी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन, आज की डेट में वी आर वेरी प्रोएक्टिवली नॉट ओनली रजिस्टरिंग द केस बट फाइंडिंग द व्हीकल्स टू एंश्योर कि कोई ऐसी गाड़ी मिस यूज ना हो जाए। तो आने वाले दिनों में लोगों से हमारी ये अपील रहेगी कि वो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें गाड़ी खरीदने से पहले, ताकि कोई भी गाड़ी इस तरीके से मिस यूज ना हो पाए। इसमें अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोनों केसेज में, वी आर एक्सपेक्टिंग मोर रिकवरीज ऑफ द व्हीकल्स, वी आर सस्टेन पोस्टिंग देम इन अ सस्टेन्ड मैनर, और इसमें से अगर कोई गाड़ियां वैली जाएं गई होंगी या जा रही हैं या जा चुकी हैं, उसमें जो जो लोग वैली में अगर इनके कोई साथी इन्वॉल्व हैं उनको भी हम आने वाले दिनों में अरेस्ट करेंगे। अखनूर के दो लोग पकड़े गए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या पहले भी इन्वॉल्व रहे हैं? एक तो बेसिकली अखनूर का नहीं है, ही इज फ्रॉम बिहार, जो मेन बंदा है जो इसमें पूरा गेम चला रहा था। दूसरा बंदा जो है उसका प्राइमरली अभी इंटरोगेशन चल रहा है, ही वाज इन मेरी असिस्टिव ग्रुप।
सर कुछ देर पहले भी लोकल लाइक गाड़ियां जो है वो रिकवर की थी जम्मू पुलिस ने, जो सेम गाड़ियां, तो उनका क्या लिंक कुछ निकल गया? उसमें उसमें हमारा अभी वैली में हमारा उसमें कुछ लीड चल रही थी, वी हैव रेडेड वंस इन वैली, बट दैट सस्पेक्ट हु इज येट टू बी क्वेश्चन, उसको लाना है, तो वो अभी द सर्च फॉर दैट पर्सन इज गोइंग, सो दैट इज इट. थैंक यू. सर इसके सिवा, आज त्रिपुरा नगर के इलाके में एक शख्स को पकड़ा गया है, सस्पेक्ट पकड़ा गया है, क्या डिटेल्स है सर उसकी? वो बेसिकली उसका नाम कुलदीप कुमार है, कुमेल रॉन्ग कुमेल उधमपुर का है, ही इज एडिक्ट एंड उसके फैमिली ने उसको वेरीफाई कर दिया, लेकिन उसका कोई सस्पेक्टेड रोल है सच नहीं है. दोनों सेंटर च रखो ना, दोनों सेंटर रखो. Thank you.